وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اعظم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی دعا ہے اللہ تمام احباب دا معززین دا تمام علماء کرام دا بیٹھنا حاضر ہونا اللہ رب العزت قبول فرمائے جن دوست احباب نے بڑی محبت نال بھائی محمد ذیشان صاحب دیگر اس عظیم الشان مرکز دی انتظامیہ خطیب و امام صاحب اللہ سب دی کاوش محبت محنت قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ رب العزت نے اس کائنات دے اندر کم و بیش 124,000 انبیاء بھیجے ہر نبی اپنے اپنے علاقے بستی وال مخصوص جو اللہ رب العزت نے
हर नबी वास्ते जगह मुकर्रर फरमाई। वो किसे बस्ती वल, वो किसे शहर वल, वो किसे इलाके वास्ते नबी बन के आए। नबुवतां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाईयां। आखर ते खातमुन नबीजीन इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक नू तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा है। तमाम अंबियां नू नबुवतां मिलियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक नू खत्मे नबुवत दा ताज पहनाया। जिथे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक नू रहमत बना के भेजा है, सारे अंबियां तो उच्चा शान दे के भेजा है, आला इखलाक और मिसाली किरदार का मालिक बना के भेजा है। उत्थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक नू तमाम जहाना का मुअल्लिम भी बना के भेजा। नबी पाक इस उम्मत दे उस्ताद और मुअल्लिम भी बन के आए हैं। और एक बात जेन दे अंदर रखना, दुनिया दे अंदर कोई हस्ती होवे, कोई शख्सियत होवे, उसका कोई ना कोई उस्ताद होता है। हर किसी ने शागिर्दी का दौर वेख्या होता है, दौरे तलमीज चो गुजरिया होता है। कायनात के अंदर वाहिद शख्सियत साढ़े आका दी है, जिन्हों का अल्लाह ने इंसाना च उस्ताद ही कोई नहीं बनाया। अरशां का खालिक खुद आप उस्ताद है अपने नबी का, खुद सिखाया है, हिकमत और दनाई अता फरमाई है, पूरी कायनात का अजीम तरीन मुअल्लिम और उस्ताद बनाया। तवज्जो करना जरा, मैं तुसा बाप के सामने नबी पाक दे सिखान दा तरीका मुअल्लिम बन के अपने शगिर्दां नू पढ़ान दा तरीका इहदियां एक दो झलकां तुहानू विखाणियां ने, ते इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। तवज्जो करना जरा, गौर कर दे जाना, कुरान पाक सुनिए जरा और देखना नबी पाक कैसे आसन अंदाज नाल, अगर किसी नू इलम नहीं सी हुंदा गलती हो जांदी सी समझांदे सन। नबी पाक अपने स्टूडेंटां नू अपने शागिर्दां नू कैसे प्यारे और आला अंदाज नाल समझाया करते सन, पढ़ाया करते सन, सिखाया करते सन। जितने बैठे आ, कोई अपने घर का सरबराह है, वो किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो किसी दुकान का मालिक है, कोई उस्ताद भी होंगे। मैं उन्हें तमाम माँ बाप के सामने नबी पाक का नबी पाक के औसाफ चो एक सिफत नबी पाक की तुहाडे सामने रखना चाहना। तवज्जो करना जरा, कुराने पाक सुनिए जरा। फरमाया फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभानल्लाह सुभानल्लाह, कुरान कुरान मैं तेरी अजमत तो सदके जावा, लख वार मैं कुर्बान हुंदा जावा,
मैं बड़ी मुहब्बत नल अपने हर बयान दे तदा ते एक दो बातां दी दावत जरूर दिया करना। मस्जिद अल कौसर दे अंदर बैठने वालों, मैं मुहब्बत नल तुहानू भी ये दावत देनी चाहना। जानते हो अज असीं अपने आप नूं कहने जी मैं नबी पाक दा नौकर, मैं नबी पाक दा दीवाना, हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मगर सोनियो जरा अपनी जिंदगी दे शबो रोज ते तवज्जो करिए। असी अपने हर मामले दे अंदर मर्जी और मनमानी अपनी करने आ, दावे नबी पाक ना मुहब्बत दे करने आ, दावे जनाब कुरान ते हदीस ना मुहब्बत दे करने आ। हकीकत वे असी कुरान नू पसे पुछ पा दिता है, हकीकत वे असा जनाब हदीसो सुन्नत नू भुल गए आ। मैं ओई दावत देन आया सोनिया, कुरान दे नेड़े आ जाओ, हदीस ने नाल मुहब्बत पा लो, निस्बत बना लो, मेरे नबी पाक ना बना लो, यारी लगा लो, रहमान ना लगा लो, और सोनिया अपनी जिंदगी नू चमका लो, चेहरा चमका ना जवाना, अपना हुलिया चमका लै, अपना घराना चमका लै, अपनी जिंदगी चमका लै, मेरे नबी पाक दियां सुन्नतां नू अपना के चमका लै, नबी पाक दियां सुन्नतां ते अमल करके चमका लै, और कुरान पढ़िया कर, कुरान नाल मुहब्बत करिया कर, कुरान ते अमल करिया कर। जानने जेड़े वेले कुरान पढ़ेगा तेरे दिल च बहारा लग जानगियां, जेड़े वेले कुरान पढ़ेगा अल्लाह तैनू रंग ला देवेगा, जेड़े वेले कुरान पढ़ेगा अल्लाह तैनू शाना अता करेगा। मेरा एक छोटा जिहा सवाल है फैसलाबादियो, मैं मुहब्बत नाल एक सवाल करना चाहना, और दुनिया नू किड्डा वक्त पै गया अज, किस गल दा वक्त पै गया है? इमरान खान ना आहल हो गया है, फलान लीडर ना आहल हो गया है, फलान बंदा ओनू दुनिया की अदालत ने ना आहल करार दे दिता है। और लोग बाहर निकल आए ने, लोग सड़क ते निकल आए ने। मेरा एक छोटा जिहा सवाल है, और मुसलमान अपनी मर्जी ते मनमानी दे मुताबिक जिंदगी गुजारन वाले आ, और वेखी उस दिन की बनेगा जे मेरे रहमान ने ना आहल करार दे दिता, जे अल्लाह की अदालत चो जनाब ना आहल करके ते जनाबे वाला ना आहला दिया सफल सफा च शामिल कर दिता गया, और दस ना उदो की करेगा। अजे मोहलत है ने, अजे वक्त है वे, इत्थे दुनियादारी ना, इत्थे ते जनाबे वाला फैसले चैलेंज हो जाते ने, जनाबे वाला हाई कोर्ट नहीं ते कोई होर कोर्ट हो जाती है, ओ वकील नहीं ते कोई होर, तो पैसा लगा के जनाबे वाला फैसले बदलवा ले जाते ने। सोनिया उस दिन नहीं छुट सकेगा, उस दिन नहीं बच सकेगा, उस दिन नहीं फैसले बदला सकेगा, उस दिन नहीं जनाबे वाला दोबारा मोहलत नहीं मिल सकनगियां। इस बात ते अपनी जिंदगी ते गौर कर, अपने शबो रोज ते गौर कर। अगर जनाबे वाला आहल रहना चाहना है, जन्नत दा आहल रहना चाहना है, अगर रहमान दी रहमत दा अहल रहना चाहना है, अगर नबी पाक दी मोहब्बत दा अहल रहना चाहना है, अगर नबी पाक दी शफात दा अहल रहना चाहना है, फिर
सुनिया मेरे नबी पाक दे लड़ लग जा हजूर दिया सुनता दे मुताबिक कुरान ते हदीस दे मुताबिक जिंदगी गुजारिया कर तवज्जो करना जरा गौर कर दे जाना मैं ते कायनात दे सब तो अजीम लीडर दी गल करना पिया मैं ते कायनात दे सब तो बड़े लीडर दी गल करना पिया जिस लीडर दे बारे जिस मुअल्लिम दे बारे जिस उस्ताद दे बारे कुरान कह रहा है कुरान की आंदा है फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जिन्हां नूं सारे जहान लई रहमत बना के भेजा गया है सारे जहान वास्ते मुअल्लिम बना के भेजा गया है सारे जहान वास्ते उस्ताद बना के भेजा गया है आओ ना मैं थानू कुरान दा एक होर मुकाम सुनावां जरा कुरान दे फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम تنو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ذرا دے ترجمے تے غور کرنا علماء کرام بیٹھے ہوئے نے ध्यान करते जाना जरा गौर करते जाना फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना आसमाना तो आवाज आउंदी है और दुनिया वालो कायनात दे लोगो असा तुहाडे ते एक एहसान कर दिता है एहसान भी कीता है ते मोमिना ते एहसान कीता है ओ सोनिया मोमिनी ते इनाम कीता है अल्लाह जी केड़ा इनाम कीता है केड़ा एहसान कीता है फरमाया इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम फरमाया मैं तुहाडे अंदर भेजिया है अपने आखरी पैगंबर नूं भेजिया है अपने महबूब नूं भेजिया है मैं मुहम्मद करीम नूं भेजिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह नबी पाक नूं भेजिया और की बना के भेजे मैं पहला दसिया फरमाया जिथे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत दा पैकर बना के भेजा सोना इखलाक दे के भेजा मिसाली किरदार दे के भेजा और सारे जहान नालों उच्चियां शाना दे के भेजा है उथे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान आंदा फरमाया वायु अल्लिमु हुमुल किताब और नबी पाक ने सिखाया कुरान सिखाया और सोने नबी पाक ने सिखाया हदीस वाला लेसन याद कराया नबी पाक ने सुन्नत वाला सबक पढ़ाया इस उम्मत नु पढ़ाया कि नमाज वाला सबक याद कराया किते नबी पाक ने तौहीद वाला सबक याद कराया किते नबी पाक ने हज ते ज़कात वाला सबक याद कराया किते जनाब जिहाद वाला सबक याद कराया ध्यान करना जरा गौर कर दे जाना और मेरे पैगंबर दे शागिरदां चो सब तो पहले शागिरद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और दूसरे शगीरत दा नाम हजरत जनाबे उमर फरूक हजरत जनाबे उस्मान हजरत जनाबे मौला अली तमाम सहाबा और मेरे नबी दे तमाम सहाबा शगीरत ने तमाम ताबईन शगीरत ने तमाम तबा ताबईन शगीरत ने तमाम मुहद्दिसीन शगीरत ने तमाम मुहक्किकीन
मुतकीन शगिरद ने, तमाम औलिया शगिरद ने, तमाम उलमा शगिरद ने। और जाओ एक गल जेन च बठा लाओ, और क्यामत दियां कमतां तक, और जेड़ा जेड़ा जनाबे वाला मेरे नबी दा उम्मती आएगा उन्हों मेरे रहमान ने अपने नबी दा शगिरद बना छड़िया है। अपने कायनात दे सब तो बड़े अजीम मुअल्लिम अजीम उस्ताद दा शगिरद बना छड़िया है। उन्हों दा शगिरद होना भी मुकद्दरां दी गल है, उन्हों दा शगिरद बनना भी किस्मत दियां खेडां होया कर दियां ने। ध्यान करना जरा, कुरान आंदा है फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। गौर करना जरा, ध्यान करते जाना। आओ ना मैं तुहानू एक शगिरद दी जुबानी एक गल सुना जावा। इन्हां दा नाम है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनहु। मेरे नबी दे खिदमत गुजार, मेरे नबी दा खादम, मेरे नबी दा नौकर हजरत अनस बिन मालिक। बयान करते ने नबी पाक जदों कुछ पढ़ाया करते सन, जदों कुछ जनाबे वाला को मसला बयान किया करते सन, ते नबी पाक एक एक मसले नू तीन तीन दफा दोहराया करते सन, ताकि सारिआं नू समझ लग जाए, ताकि सब तक गल पहुंच जाए, ताकि बजुर्गां जवाना सारिआं नू गल दा पता लग जाए। और नबी पाक फरमाया करते सन, अगर किसी नू पता ना लगे ते दोबारा पूछ लो, बार बार पूछ लो, फिर पूछ लो। और मेरे नबी दे सिखाण दा अंदाज, और मेरे नबी दे समझाण दा अंदाज, और मेरे नबी दे पढ़ाण दा अंदाज जरा चेक करना। अल्लाह ला ओ किथे याद आए मेरे नबी दायक दीवाना है, मेरे नबी दायक परवाना है। हजरत मुआविया बिन हकम सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो। और मस्जिद दे नबवी ए लोको, मस्जिद दे नबवी अल्लाह सब नूं उत्थों दी हाजरियां नसीब फरमा। मस्जिद नबवी ते फरमांदे ने मैं इस तरह नमाज पिया पढ़ना वा, ते नमाज पढ़दियां पढ़दियां मेरे कन्नां दे अंदर आवाज पै गई है, लागे मेरे आका भी नमाज पै पढ़दे ने, ते मेरे कन्नां दे अंदर आवाज पई है, किसे ने जनाब छींक मारी है, ते उस अलहम्दुलिल्लाह कह छड़िया है। जदों अलहम्दुलिल्लाह कहा ते पता जिहड़ा मुसलमानों फैसला बाधियो, और जदों मुसलमान छींक मारे अलहम्दुलिल्लाह दी आवाज दूसरे भाई दे कन्नां च पै जाए, ते आके मुसलमान दा मुसलमान ते आके ओ अगो यार आमू कल्ला दा तोहफा पेश करे, यार आमू कल्ला दा गिफ्ट पेश करे। ते इधर जनाबे वाला फरमांदे ने मेरे कन्नां च आवाज पई है, ते मैं अपनी जुबान चो यार हमू कल्ला कह चढ़िया है, यार हमू कल्ला नमाज पढ़दे आखिया, नमाज पढ़दे आखिया, ते मैं सलाम फेरिया, ते लोग हैरान हो के मेरे वाल वेंदे ने पै, और कूर कूर के वेंदे ने पै, इस कीता की है। इधर जनाबे वाला फरमांदे ने मैं समझ गया, लगदा है कुछ वादा घाटा हो गया है, गलतियां कर बैठा वा। ते दर्जना फरमांदे ने मेरे दिल दे अंदर सी आका हुणे सलाम फेरन के ते मैनू डांटन लग जाणगे, हुणे मैनू गुस्से होण लग जाणगे। वा सोनिया मैं तुहाडे सिखाण तो सदके, तुहाडे इखलाक तो सदके, तुहाडी मिठी जुबान तो सदके, तुहाडे मुहब्बत पर जुमलिया तो सदके जावा। फरमांदे ने मैनू डर सी कि आका हुणे मैनू डांटन लग जाणगे, पर नबी पाक ने पता जे की फरमाया। मुआविया फरमांदे ने आका ने सलाम फेरे है, ते आका फरमांदे ने मुआविया उरा ना जरा मेरे नेड़े आ जाओ।
फरमांदे ने मैं नबी पाक दे लागे डरदा डरदा पहुंच गया। फैसला पा दियो जिवें साडी मसीते को किसे कोलो वादा घाटा हो जाए ते सारे नमाजी रल के ओनू फड़ नहीं लैंदे। ओ तू एडा वड्डा हो गया तेनू अजे तक इस मसले दा नहीं पता लगा। ओ तू एडा जरा तेनू सफेद वाल आ गए। ओ तू एडा जवान हो गया तेनू ए भी नहीं पता ए ते बच्चियां नू ही पता है। सारे नमाजी रल मिल के फड़ लैंदे ने मारो मार पै जाती है मसीते पता लग जांदा है किसे कोलो को गलती हो गई है। बजाए इस दे के कल्या करके ओनू समझाया जाए मुहब्बत नाल समझाया जाए जिवें मेरे नबी दा अंदाज सिखांदा मेरे नबी दा अंदाज समझांदा इंज समझाया जाए। बल्कि इत्थे किसे नू लग जाए पता ओनू इलम दा ऐसा हो जांदा है ओ फड़ लैंदा है ते सलाम तो इंतजार करदा है किहड़े वेले मैं सलाम फेरा ते नाल ते बंदे दी जरा मैं इज्जत अफजाई कर दियां रौला पै जांदा है। पर इत्थे असीं हां मैं ते कायनात दे सब तो बड़े मुअल्लिम ते उस्ताद ते रहीम नबी पाक दी गल करना पिया। मेरे आका ने लागे बुलाया ते मेरे आका फरमांदे ने दो बोल बोले मिठी जुबान नाल बोले मिठे अंदाज नाल बोले ने। मेरे आका फरमांदे ने मुआविया गल सुनना जदों नमाज पढ़ते होइए ते होर कोई कलाम नहीं करीदा। नमाज चे सिर्फ नमाज पढ़ी दी है नमाज दे अंदर नमाज दे अलावा और कोई कलाम नहीं करीदा। हरमांदे ने मैनू ते डर सी आका डांटणगे पर ते मेरे आका ने मोहब्बत ना समझाया प्यार ना समझाया। मेरे नबी पाक दे बारे कुरान आंदा है अल्लाह अल्लाह फरमाया वा मा अरसलाका इल्ला रहमतल आलम किते कुरान आंदा है हरमाया वायु अल्लिमु होमुल किताब वल हिकमा किते कुरान आंदा है हरमाया वा इन्नका लाला खुलुकिन अजीम। तवज्जो करना जरा गौर कर दे जाना आओ मैं तनु एक और मोहब्बत भरिया अंदाज वखावा। मेरे अभी पे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे कोल इक औरत आ गई है आया सू निकल देने पै रोंदी धोंदी आ गई मेरे वाल वेखिया जे जरा ते आके आती है सोनिया मेरी माँ है माँ रब नू प्यारी हो गई है। ओए मावां वाले ओ ओए मापे जान तो जान ते बड़े बड़े पहलवान भी रो पैंदे मापियां दा जरा पुत्रां नाल प्यार ते होया करदा है पर धियां नाल जरा चोखे मुहब्बत प्यार हुंदा है। अगर ए वी ते बेटी सी ना ते मां फौत होई है ते मेरे मुर्शद करीम ते कोल आ गई है ते बड़ी फिकर नाल आई है आके आंदी है सोनिया मां मां फौत हो गई है सोनिया मेरी मां ने अपनी जिंदगी दे अंदर एक नजर मनी सी के मेरा फलाना कम हो जाए ते मैं हज अदा करांगी पर मां नू मोलता नहीं मिलियां। ओए मौत आउंदी ए ते बस दे करामे उजड़ जाया करदे ने। ओए लोको फैसला पातियो मौत आउंदी ए ते जनाबे वाला ओए यतीम कर जांदी ए बच्चियां ते बच्चियां नू। मौत आउंदी ए ते बुड्ढे मां ते बाप कोलो जवा ਹਣ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਵਦ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਬਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ
मां रब नु प्यारी हो गई ते सोने दसोना मेरे बारे की हुक्म है उस नजर दे बारे हुन मैं की करा ते मेरे आका ने कितने प्यारे जे अंदाज नाल समझाया है कितने प्यारे जे अंदाज नाल सिखलाया है मेरे नबी ने मिसाल दे के समझाया मेरे आका फरमांदे ने और पता देना बीबिया नु समझाना जरा औखा होया करदा ओ बीबिया जल्दी समझदिया नहीं पर इधर मैं सदके जावा अपने नबी पाक दो मेरे आका फरमांदे ने बीबी गल सुन लेना अगर तेरी मां ने किसे कोलो पैसे लाए होते कर्जा लिया होंदा ओनू वापस देना सी ना अगर तेरी मां ना देंदी तू वापस करना सी कर्जा अदा करना सी ए कह लगी चीज सोनिया आखिर ये दुनिया का हक है लोगों का हक सी ये ते लोगों नु देना ही देना सी ते मेरे आका फरमाते ने ओ कर्जा इंसाना का हक सी ओ हकूकुल इबाद ते जदों नजर मनिए ते ए हकूकुल्ला होया करदे ने हरमाया ए अल्लाह दा हक है हरमाया जे तेरी मां पूरिया नहीं कर सकी ते तू पूरिया कर अपनी मां दी तरफों हाज करना उस नजर नु पूरिया करना कह लगी सोनिया मैनू समझ लग गई है मैं सबक याद कर लिया मेनू पता लग गया कुरान आंदा है हरमाया वायु अलिमो उमुल किताब वल हिकमा वायु अलिमो उमुल किताब वल हिकमा आओ जरा के चलिए एक और गल सुनावा ओ कायनात दे अजीम उस्ताद दिया गल्ला ओ समझां ते सिखां दा अंदाज मैं मोहब्बत नाल कवा ओ कदी पे मैं तुहानू तरबियत का हिस्सा जे भी बेटे नु समझाना पै जाए बेटी नु समझाना पै जाए और हर दफा डांट के नहीं समझाया जा सकता हर दफा शगिरदा नु हर दफा जरा कारोबार करते हैं शगिरद होंदे ने हर दफा जरा गुस्से नाल गालां कट के समझाया नहीं जांदा वादा काटा हो जाए ते मोहब्बत नाल समझाया कर इंज समझाएगा ते मेरे नबी दी हदीस ते अमल मेरे नबी दी सुन्नत ते अमल हो जाएगा मोहब्बत नाल समझाना गालियां काट के और ना सोनिया ना ना जुबान गंदी करके ना समझाया कर बेटे नु समझाना ते गाल कढ़ना है कोई ऐसे जालम ओ धीआं नु समझांदे गालियां काट काट समझांदे कदे जौजा कोलो वादा काटा हो जाए गाल पहला जे जनाब ए खाने च लून तेज हो जाए जे कपड़े स्त्री जे जनाबे वाला जरा जा घर च वादा काटा हो जाए ते फड़ लो हो जाती है गाला शुरू ते तरह तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करके तेनू पता ही कोई नहीं किवें फला कम और ना सोने ना ना ओए मोहब्बत नाल समझाया कर हिकमत नाल समझाया कर इस नमाणी नू ओए बेटे कोलो गलती होवे ते मोहब्बत नाल बीवी कोलो गलती होवे ते मोहब्बत नाल दुकान ते मुलाजम कोलो गलती होवे ते मोहब्बत नाल कारोबार करदे आ शगिरद कोलो गलती होवे ते मोहब्बत नाल समझाना है ओ प्यार ते हिकमत नाल समझाना है ए मेरे नबी दा हुक्म वी है और मेरे नबी दा अंदाज वी है ध्यान कर ना जरा गौर कर और आइए मैं तुहानू थोड़ा जिहा अगे ले चला मौजूदगी च गल करा मेरे आका कदे मिसाल दे के कदे इशारियां नाल कदे गल नु दोहरा के शगिरदां नु समझाया करदे सन इधर जनाबे वाला हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे
चंद शगिरद चंद सियाबा बैठे ने मेरे वाल वेखिया जे अंदाजे मेरे आका दा सवालिया अंदाजे मेरे आका फरमांदे ने हरमाया ओ मेरे सहाबियो ओ मेरे दीवानियो ते दसोना हरमाया अगर किसे बंदे दे घर दे सामने एक पानी दी नहर होवे अगर बंदा एक दिन दे अंदर उस नहर च पांच दफा नहाए पांच दफा गुसल करे दसो दे जिस्म ते मैल कुचैल रह जाएगी तुसी भी दसो रवेगी और थके बैठो रवेगी ओदे जिस्म ते मैल कुचैल नहीं हो रहनी मेरे आका ने अपने नौकरां नूं पुछिया तमाम सहाबा फरमांदे ने हरमाया सोनिया वाला किवें रह सकदी ऐ ओदे जिस्म ते मैल कुचैल जिहड़ा एक दिन च पंज दफा नहांदा एक दिन च पंज दफा गुसल करदा ए अंदाज शौके इबादत पैदा करन दा ए अंदाज शौके नमाज पैदा करन दा ए मेरे नबी दा अनोखा अंदाज है लोगां दे दिलां च इबादत नवाफल ते फराइज दी मुहब्बत पैदा करन दा तरगीब दिलान दा ए तवज्जो दिलान दा बेदारी दिलान दा और जनाबे वाला बड़े प्यारा जे अंदाज है ते मेरे आका फरमांदे ने हरमाया इसे तरह जेड़ा बंदा एक दिन च पांच दफा रब दे घर च जाके और पांच नमाजां फैसलाबादियो पांच नमाजां जेड़ा बंदा पढ़ता है ना अल्लाह पाक ओदे नामे अमाल तो गुनाह माफ कर देंदा है सारे आपको सुभान भावे सारे ना को जेड़े पांच पढ़ दियो ते सुभान अल्लाह खोना तवज्जो करना अल्लाह सब नूं पांच टाइम दा नमाजी बनाए सोने आन जरा अपने अपने वल ध्यान करिए जरा गौर करिए ना हाय हाय सियासी जलसा होवे ते बड़े ध्यान नाल पांच पांच मैं वेखिया बड़े बड़े सियाणियां नूं जेड़े मसीते बैठते आंदे ने गर्मी लग गई है दो घंटे बैठना पै जाए मौलवी साहब ने इन्ना टाइम लेट कर छड़िया त्रै घंटे बैठना पै जाए जनाबे वाला अद्धा घंटा उत्ते हो जाए पांच मिनट मौलवी साहब लेट हो जाए हाय मेरी फैक्ट्री लेट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾ ਪੂਰੇ ਬਹੁਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਲੱਗਣ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਫੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸ ਚੰਗ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਚੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰਕਤ ਬਹਾਰ ਮੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਪਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰਫ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਖਾ ਲੈ ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏਗਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਬਦ ਨਸੀਬੀ ਏ ਫਜਰ ਲੰਘਾਨੇ ਆ ਸੌ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲੰਘਾਨੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੰਘਾਨੇ ਆ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰਬ ਦੁਕਾਨ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ
टाइम देना है, असा फलां जगह ते जाना है। ओए मुअज्जन सदा मार दे ते मार दा रह दे, रब ते दर तो जनाब बुलावा ते नहीं आउंदा, ओ लोकां ते तरां ते बिन बुलाए चला जाना है। ओए आ ना सोनिया आया कर, नमाज पढ़िया कर, इस तो पहला के मेरी तेरी नमाज जनाजा दा ऐलान हो जाए, इस तो पहला के तेरी मेरी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इस तो पहला के असी मैयत बन के पै होइए ते जनाब मौलवी साहब कहन सफा सिद्धियां कर लो, नमाज जनाजा दा टाइम हो गया है, इस वक्त नमाज पढ़िया कर। और पांच टाइम अपने खालक दे सामने और छड़ दिया कर दुकान, छड़ दे यारा नू और छड़ दे फैमिली नू, नमाज दा टाइम हो जाए रब दे दर ते आया कर। और ना यारा च नमाज लंघाया कर, इना यारा ही तेरी चार पाई नू कंधिया दे के कब्रस्तान च छड़ आउणा है। और पांच नमाजा तू पढ़ी जा, मेरे नबी दा फरमान है, जदों बंदा मस्जिद च आउंदा है छड़ के आउंदा है, वजू करता है सुन्नत के मुताबिक करता है, फिर आखिर ते पढ़ता है अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़ता है अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तवाबीना वजालनी मिनल मुतातहिरीन। आसमाना तो आवाज आती है ओ पतिया दुकान छड़ के आया, नौकरी ते कारोबार मसरूफियत मैं रब ले छड़ के आया, अजे वजू कीताई जा असा तेरे लिए जन्नत दे आठ दे अठे दरवाजियां नू खोल छड़िया है, जन्नत दे आठ दे अठे दरवाजे खोल दिते ने, इस वास्ते नमाज जाया ना करया। ओ सब कुछ रह जाए पर नमाज ना रवे, पांच नमाजा पांच टाइम हाजरी तू नवाया कर, तेरे गुनाहां वाली मैल कुचैल मेरा रहमान दूर करता जाएगा। कुरान आंदा है किन्ने दसी है, ए मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कायनात दे अजीम मुअल्लिम ने दसिया है, कायनात दे अजीम उस्ताद ने दसिया है। कुरान आंदा है फरमाया वायु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह अल्लाह किते फरमाया वा मा अरसल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एक आखरी गल ते मेरा सलाम जे बड़ी समूह सबक अमूज गल जे ध्यान करना जरा, तुस अगे भी सुनिए ते हुण फिर सुन लो ईमान दी ताजगी बात ते सुन लिया जे जरा, ए मेरे नबी दी जुबान चो निकलण वाले मिठे मिठे बोल ने गौर नाल सुन लो जरा। मस्जिद दे नबी ते मेरे नबी दे शागिर्द नबी पाक तशरीफ फरमा ते एक इराबी आया है, एक बद्दू ते पेंडू जिहा बंदा आया, आके मस्जिद दे अंदर औंदियां पेशाब करना शुरू कर देंदा है, ए मस्जिद ते रब दा घर ते नमाज पढ़न दी जगह, ए मस्जिद ते जनाबे वाला ए ते इबादत करन दी जगह होया करदी है, एदे ते नजरां पईयां मेरे नबी दे शागिर्दां दीयां निगाहां पईयां, जलाल च आ गए गुस्से ते आ गए ते लपके ओदे वल फड़न वास्ते गुस्से नाल दौड़े, ते मेरे आका पर मेरे वल वेखिया जे फरमाया ओ मेरे सहाबियो ना ना इनू कुछ नहीं आखना, सदके जावां अपने आका दे हौसलियां तो, ओ मैं कुर्बान जावां अपने नबी दी हिकमत तो, कुर्बान जावां मैं कुव्वत बर्दाश्त तो, मैं सदके जावां अपने नबी दे मिठे जे अखलाक तो, कुर्बान जावां नबी पाक दी मुअल्लमियत तो, सदके जावां समझाम ते सिखाम ते अंदाज तो। हजूर फरमांदे ने ना इनू कुछ नहीं कहना, इनू फारग हो लैन दियो, अल्लाह अल्लाह उस बंदा कजाया हाजत तो फारग हो गया, ते मेरे आका ने बुलाया उधर जनाबे वाला अपने अपने जनाब शागिर्दां नू सबक दिता है, सबक की दिता है, नबी पाक ने हिकमत ना समझाया,
फरमाया इनू नहीं पता अहमियत दा नहीं पता, इनू इलम नहीं के मस्जिद दी अहमियत की है, इनू इलम नहीं के इबादत दी जगह इत्थे बोलो बराज नहीं करीदा। फरमाया जिनू इलम ना होवे ओनू कुछ आखीदा नहीं, बल्कि ओदे इलम च गल पाई दी है ओनू प्यार ना समझाईदा, ओनू अहसन अंदाज ना समझाईदा, ओनू मुहब्बत ना। मेरे नबी ने क्यामत तक दियोन वाली उम्मत नु दस दिता है, क्यामत तक दियोन वाले शकीरदा नु एक पैगाम दे दिता है कि ला इलम बंदे ते जनाबे वाला चढ़ाई नहीं करी दी, बल्कि मुहब्बत नाल समझाई दा। ते दूसरे पासे जिन्नू इलम कोई ना ओनू लागे ओनू लागे बुलाया लागे बटा के मुहब्बत नाल मिठे जिहा बोल बोले। फरमाया भाई आप ए मस्जिद ए इबादत दी थां है, ए पाक जगह है, इत्थे सजदा करीदा है, इत्थे रुकू करीदा है, इत्थे क्याम करीदा है, इत्थे नमाज पढ़ी दी है, इत्थे सलात पढ़ी दी है। फरमाया ते बोलो बराज नहीं करीदा, इत्थे जनाब पेशाब ते कज़ाए हाजत वक्त नहीं पईदा। मेरे नबी ने डांटिया नहीं, गुस्सा नहीं कीता, मुहब्बत नाल हिकमत नाल समझाया, उस बंदे दे दिल च किड्डी जगह बनी होएगी, वो किड्डा खुश होया होएगा। अज जनाब साडी मस्जिद च गुआज है पैरा ना पैर, मैं मुहब्बत नाल गल करन लगा, जो मैं वेखिया ओदा नक्शा तुहाडे सामने रखन लगा। साडी मस्जिद ते गुआज है पैरा ना पैर ना मिलाए, रफलियत ना करे, आमीन उच्ची आवाज ना कवे, जनाबे वाला कोई गलती कर पवे सलाम फिर जाए, सारे बंदे उन्हें आंदे ने ओ तू किथे वाला है, ये भाफिया की मस्जिद है तेनू नहीं पता, इतने उच्ची उच्ची आमीन आखीद तेनू नहीं पता, इतने पैर ना पैर मिलाईद तेनू नहीं पता, इतने रफलियत करीद ना सोने ना ना एवं इलम नहीं विखाना, एवं नहीं मुह मुदल्लल बनना, एवें ओदे ते इलम दा पार नहीं कढ़ना। आउण दिओ मुहब्बत नाल पढ़म दिओ नमाज, अपने तरीके नाल पढ़दा पढ़म ते दिओ, ओ गुजार नमाज पढ़ ते लैम दिओ। जदों तेनू नमाज पढ़दिआं इत्मीनान नाल वेखेगा, जदों सुन्नत दे मुताबक कारी साहब नूं वेखेगा नमाज पढ़दिआं, मिठियां जिहां हदीसां सुनेगा, मिठे जे बोल सुनेगा, कुरान सुनेगा, इंशा अल्लाह एक वक्त आएगा मेरा ईमान है एहो ही बंदा मेरे नबी दी सुन्नत दे मुताबक नमाज पढ़ता होएगा। आउण दिओ बैन दिओ लागे ते आउण दिओ, जरा लागे पवेगा मुहब्बत नाल उहनूं पता लग जाएगा, ओ मिठे बन जाओ मिठे नबी दे मिठे गुलाम बन जाओ, गुस्सा ना करिया करो, एवें जलाल च नहीं आउणा मुहब्बत नाल। फिर मैं मुहब्बत नाल दो जुमले पढ़ जावां ते गल मुका जावां, ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल एक गरी फेरा बल्ले पता लग गया शेख आ गया, तवज्जो करो। ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, दे कन्ना बिच रस नू है गोल, मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल। ओ सोना जदों बोले कुरआन बन जांदा है, जरा मिठा बंदा सुभान अल्लाह कवे, कौड़ा भावे ना कवे गज के कवो सुभान अल्लाह, तुहाडा स्पीकर जरूर कौड़ा आ जाए अल्लाह तवज्जो करना। ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी ते मिठे, क्योंकि अलकार का अर्थ भी मारदा है। ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल, दे कन्ना बिच रस नू है गोल। ओ सोना जगो बोले कुरआन बन जांदा है, जग ले
दलील पुरान बन जाता है, जाके लई दलील पुरान बन जाता है। ओ जाके रब दे कुरान नू तू खोल, जाके रब दे कुरान नू तू खोल, मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल अल्लाह। ओ मेरे मदनी ते मिठे मिठे बोल दे दे कन्ना में रस नू ए गोल। आका दिया कदमा ते चलना जरूरी है, सोने दिया कदमा ते चलना जरूरी है, मन या ना मन साड़िए को मजबूरी है। आका दिया कदमा ते चलना जरूरी है, मन या ना मन साड़िए को मजबूरी है। ओ मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल, सानू उम्मती दे दर ते ना रोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल दे दे कन्ना में रस नू ए गोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। अल्लाह को दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल की तौफीक दे। कोई भी साढ़े तो नीचे होवे, औलाद होवे, बीवी होवे, को खादम होवे, को जनाब कारोबार से साढ़े तो नीचे होवे, उन्हें मोहब्बत ना समझाना। गलती हो जाए वादा काटा हो जाए, चढ़ाई नहीं करनी, एवें उन्हें गाली गलोच नहीं करना, मोहब्बत नाल सिखाना, मोहब्बत नाल समझाना। ये हो ही मेरे नबी पाक की सुन्नत है, ये हो ही मेरे नबी पाक का तरीका कार है। अल्लाह सानू ऐसा अंदाज अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला।